हम यूजीसी नेट जनरल पेपर की प्रिपरेशन में जून 19 के लिए अपडेटेड सिलेबस में ऐड हुए टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। इसी सीरीज़ में हमने अभी तक लॉजिकल रीजनिंग में वेन डायग्राम को समझा। आज के इस वीडियो में हम वेन डायग्राम के कुछ मल्टीपल एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, तो साथियों वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हर्ष और स्वागत करता हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल एजुकेटर्स प्लस पर। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है हमारे पास, इन द फॉलोइंग डायग्राम थ्री क्लासेस ऑफ पॉपुलेशन आर रिप्रेजेंटेड बाय थ्री फिगर्स। ट्राइंगल रिप्रेजेंट स्कूल टीचर्स, स्क्वायर रिप्रेजेंट मैरिड पर्संस एंड सर्कल रिप्रेजेंट्स पर्सन लिविंग इन जॉइंट फैमिलीज। इस इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए हमें एक डायग्राम दिया हुआ है। इस तरीके की तीन फिगर्स, सर्कल जॉइंट फैमिली, ट्राइंगल स्कूल टीचर्स एंड स्क्वायर मैरिड पर्संस। अब देखिए थोड़ा सा एक बार क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चंस में चॉइसेस में हमारे पास अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं ए डी एफ सी इसी तरीके से। नाउ दिस फिगर इज फॉलोड बाय 5 क्वेश्चंस। तो हम क्या करेंगे, हमने इसमें जो अलग अलग स्पेसिफिक रीजंस बने हुए, जैसे ये एक रीज़न है, इसको हमने सी बोला, ये एक रीज़न है एक्सप्लिसिट, इसको हमने ए बोल दिया, ये रीज़न है जो कॉमन आ रहा है तीनों में, इसको हमने बी बोल दिया, सी डी ई एफ। अब इस तरीके से हमारा पेपर वर्क कंप्लीट हुआ। अब हम आएंगे क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है मैरिड पर्संस लिविंग इन जॉइंट फैमिलीज बट नॉट वर्किंग एज स्कूल टीचर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द अल्फाबेट। देखिए मैरिड पर्संस लिविंग इन जॉइंट फैमिलीज, तो देखो स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा था मैरिड पर्संस को एंड लिविंग इन जॉइंट फैमिलीज, तो स्क्वायर और सर्कल में कॉमन क्या है हमारे पास, डी एंड बी, डी एंड बी रीजन। आगे क्या पूछा इसने, लिविंग इन जॉइंट फैमिलीज। तो देखिए मैरिड पर्संस लिविंग इन जॉइंट फैमिलीज एंड नॉट वर्किंग एज स्कूल टीचर्स, नॉट वर्किंग एज स्कूल टीचर्स, तो हम बी को इसमें से एक्सक्लूड कर देंगे। हमें कौन सा रीज़न मिला, डी, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें, दिस ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास पर्संस हु लिव इन जॉइंट फैमिलीज आर अनमैरिड एंड डू नॉट वर्क एज स्कूल टीचर्स। देखिए पर्संस हु लिव इन जॉइंट फैमिलीज ये आए हमारे पास, हु आर अनमैरिड मीन्स इस स्क्वायर से बाहर क्या बचा हमारे पास, ई, एंड हु डू नॉट वर्क एज स्कूल टीचर्स, तो ये कंडीशन हमारी फॉलो होती है किसके साथ में, ई के साथ, तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा, दिस ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मैरिड टीचर्स लिविंग इन जॉइंट फैमिलीज मीन्स मैरिड भी, टीचर्स भी एंड लिविंग इन जॉइंट फैमिलीज। देखिए कौन सा रीज़न हुआ, मैरिड, स्कूल टीचर्स एंड लिविंग इन जॉइंट फैमिलीज, तो वो एरिया जो कि कॉमन है तीनों के बीच में, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारा, दिस ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्कूल टीचर्स हु आर मैरिड बट डू नॉट लिव इन जॉइंट फैमिलीज। देखिए स्कूल टीचर्स हु आर मैरिड, कौन सा हुआ, बी एंड सी, लेकिन साथ में बोल रहा है हु डज नॉट लिव इन जॉइंट फैमिलीज, तो कौन सा ऑप्शन बचा हमारे पास, सी, सो करेक्ट आंसर वुड बी दिस ऑप्शन। देखिए इसी तरीके से मल्टीपल यूज जब हम करते हैं, मल्टीपल एप्लीकेशन जब हम करते हैं, क्योंकि अब कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन है तो डायग्रामेटिक क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसके लिए इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूरी है, तो हमें इस तरीके से एप्लीकेशन करनी है वेन डायग्राम्स की। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारे पास, क्वेश्चन है स्कूल टीचर्स हु आर नीदर मैरिड नॉर डू लिव इन जॉइंट फैमिलीज। ऐसे टीचर्स कौन से हैं जो कि ना तो मैरिड हैं और ना ही जॉइंट फैमिली में रहते हैं, चलिए देखते हैं। स्कूल टीचर्स मतलब ये रीज़न, ठीक, बी सी एफ, हु आर नॉट मैरिड तो बी और सी निकल के बचा हमारे पास एफ ऑप्शन। और साथ में यहाँ पर ये बात भी इस्टेब्लिश हो रही है कि दे डू नॉट लिव इन जॉइंट फैमिली। तो आंसर क्या हुआ हमारे पास एफ रीज़न। तो आइए देखते हैं, आंसर हुआ हमारे पास एफ रीज़न। तो दोस्तों ये था एक सेट जहाँ पर मल्टीपल यूज़ कर रहे हैं हम डिफरेंट शेप्स का। दीज आर बेसिकली वेन डायग्राम्स, और किस तरीके से हम इनकी एप्लीकेशन करते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की करेक्ट आंसर तक पहुँचने के लिए। चलिए लेते हैं एक और एग्जाम्पल, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाते हैं। अब एक नेक्स्ट फिगर है हमारे पास जहाँ पर चार फिगर्स हैं इंक्लूडेड, चार तरीके के ग्रुप्स दिए हुए हैं, चार तरीके की इन्फॉर्मेशन है। स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है गर्ल्स को, सर्कल टॉल पर्सन्स को, ट्राइंगल टेनिस प्लेयर्स के लिए है, एंड रेक्टेंगल स्टैंड्स फॉर स्विमर्स। तो इसी तरीके से देखिए मैंने ये फिगर बनाई है, क्या है इसमें, रेक्टेंगल फॉर स्विमर्स, रेक्टेंगल फॉर स्विमर्स, ट्राइंगल फॉर टेनिस प्लेयर्स, दिस स्क्वायर फॉर गर्ल्स एंड दिस सर्कल फॉर टॉल पर्सन्स। अब देखिए क्वेश्चन है इसमें, विच लेटर रिप्रेजेंट्स टॉल गर्ल्स हु आर स्विमर्स बट डोंट प्ले टेनिस, मीन्स टॉल गर्ल्स एंड स्विमर्स। चलिए पहले इसको देखते हैं, टॉल दिस रीजन, गर्ल्स दिस रीजन, मीन्स कॉमन टू सर्कल एंड स्क्वायर, एंड हु आर स्विमर्स ऑल्सो। तो क्या रीजन आया हमारे पास, ये जी और एच, लेकिन साथ में ये भी पूछ रहा है कि हु डोंट प्ले टेनिस। तो इस ट्राइंगल से देखिए, इस ट्राइंगल से बाहर कौन सा है हमारे पास, बचा सिर्फ एक, वो है ये रीजन जी रीजन। तो आंसर क्या हुआ हमारा, दिस ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच लेटर रिप्रेजेंट्स गर्ल्स हु आर स्विमर्स प्ले टेनिस बट नॉट टॉल। तो देखिए पहले देखते हैं इन तीन रीजन में गर्ल्स हु आर स्विमर्स प्ले टेनिस कौन सा कॉमन है। गर्ल्स रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर, स्विमर्स एंड प्ले टेनिस, इन तीनों में कॉमन आता है हमारे पास ये रीजन विच इज डिनोटेड बाय एच। लेकिन साथ के साथ कह रहा है बट नॉट टॉल, टॉल नहीं पूछा उसने, कहा नॉट टॉल। लेकिन यहाँ पर देखिए टॉल कौन सा रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो सर्कल है, लेकिन एच ऑलरेडी इसका पार्ट है। तो गिवन चॉइसेस में से हमारा क्या आंसर होगा, बी भी नहीं होगा, ई एफ भी नहीं होगा, आंसर होगा हमारा नन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच लेटर रिप्रेजेंट्स टॉल गर्ल्स हु डू नॉट प्ले टेनिस एंड आर नॉट स्विमर्स। देखिए हमें वो चीज़ देखनी है जो कि टॉल और गर्ल्स, जो गर्ल्स टॉल हैं, जो ना तो टेनिस खेलती हैं और ना ही स्विमर्स हैं। आइए देखते हैं, देखिए सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है टॉल, स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है गर्ल्स, तो इनमें जो कॉमन है, साथ के साथ टेनिस में नहीं है, मतलब ट्राइंगल में नहीं है और रेक्टेंगल में भी नहीं है। तो क्या बचता है ऐसा हमारे पास जो इसमें है, इसमें है, लेकिन इन दोनों में नहीं है। तो देखिए ज़ीरो डाउन करेंगे तो हमारे पास ये रीज़न बचता है। सो दिस रीज़न रिप्रेजेंट टॉल गर्ल्स हु आर नीदर टेनिस प्लेयर्स नॉर स्विमर्स। तो ये जो क्वेश्चन हुआ इसका आंसर हुआ हमारा दिस रीजन। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारे पास, विच लेटर रिप्रेजेंट्स टॉल पर्सन्स हु आर जेंट्स मीन्स नॉट गर्ल्स एंड स्विमर्स, स्विमर्स हो साथ में लेकिन टेनिस नहीं खेलते। चलिए पहले आधे आधे पार्ट में बांटते हैं इस क्वेश्चन को, टॉल पर्सन्स हु आर जेंट्स। तो देखिए टॉल पर्सन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, हु आर जेंट्स मीन्स नॉट गर्ल। तो ये जितना रीज़न है, ये रीज़न है गर्ल्स का, तो इस रीज़न में जितने आ रहे हैं और जो इस सर्कल के साथ में कॉमन बन रहे हैं उनको हम एक्सक्लूड करेंगे। तो हमारे पास में क्या आया, के एंड जे और आई बचा अभी तक। अब वो कह रहे हैं हु आर नॉट टेनिस प्लेयर्स, तो टेनिस प्लेयर्स मतलब ये ट्राइंगल में आई है, इसको निकाल देंगे। अब बचे हमारे पास के और जे, और साथ में कह रहे हैं हु आर स्विमर्स, तो स्विमर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस रीजन जो है हमारा रेक्टेंगल। तो हमारे पास कौन सा बचा, सिर्फ एक बचा, वो है के रीजन। तो आंसर क्या हुआ, आंसर इज दिस। आइए अब लास्ट में इसी सीरीज का एक अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ पर हमें कुछ डायग्राम दिया, एक डायग्राम दिया हुआ है और जिसमें बताया गया कि रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को, ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रहा है अर्बन पीपल को, देख सकते हैं आप डायग्राम में, सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेजुएट्स को, एंड स्क्वायर रिप्रेजेंट क्लर्क्स। चलिए हमने बना लिया, इसी तरीके से बना हुआ दिया है बल्कि, ठीक है। रेक्टेंगल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, दिस ट्राइंगल अर्बन पीपल, एंड दिस सर्कल ग्रेजुएट्स, एंड दिस स्क्वायर रिप्रेजेंट क्लर्क्स। देखिए इसके बाद में जितने भी रीजंस थे उन रीजंस को हमने नंबर डाल लिया, ठीक है, अलग अलग एक्सप्लिसिट रीजंस। अब ये इन्फॉर्मेशन के बाद में हमारे पास क्वेश्चंस के सेट हैं। देखिए अब क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमें बेसिकली इन स्टेटमेंट्स की वैलिडिटी इस्टेब्लिश करनी है, स्टेटमेंट वैलिड है या नहीं है, मतलब ट्रू है या फॉल्स है। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर क्लर्क्स, देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ये रेक्टेंगल हुआ, क्लर्क्स ये छोटा सा हिस्सा। अगर ये स्टेटमेंट वैलिड होता तो रेक्टेंगल को इस छोटे से स्क्वायर का पार्ट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, तो ये स्टेटमेंट कैसा हुआ हमारा, फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नेक्स्ट वी हैव सम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर ग्रेजुएट्स एज वेल एज क्लर्क। सम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर ग्रेजुएट्स, ठीक है, सर्कल के साथ भी इंटरसेक्शन हो रहा है, एंड क्लर्क्स, देखिए स्क्वायर का भी पार्ट है और ग्रेजुएट्स जो सर्कल है उसका भी पार्ट है। सो दिस स्टेटमेंट इज वैलिड, सम ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर ग्रेजुएट्स एंड क्लर्क्स, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर ग्रेजुएट्स। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज मीन्स ये पूरा रेक्टेंगल जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को रिप्रेजेंट कर रहा है आर ग्रेजुएट्स। अगर ये स्टेटमेंट वैलिड होता तो ये रेक्टेंगल एज इट इज पूरा का पूरा उठ के इस सर्कल के अंदर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर नॉट ग्रेजुएट्स, तो स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हुआ। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, ऑल क्लर्क्स आर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बट नॉट ग्रेजुएट्स। ऑल क्लर्क्स की बात की गई, देखिए ये जो वर्ड्स आते हैं ना ऑल या सम, इनको ध्यान से पढ़ो और ध्यान से देखो क्या असेसमेंट आ रहा है। ऑल क्लर्क्स आर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बट नॉट ग्रेजुएट्स। ऑल क्लर्क्स मीन्स दिस स्क्वायर पूरा का पूरा ग्रेजुएट्स। ऑल क्लर्क्स आर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बट नॉट ग्रेजुएट्स, देखिए पहले ही प्रीमाइस, इसकी पहले ही कंडीशन इसको इनवैलिड कर रही है, क्योंकि ग्रेजुएट जो कि सर्कल है उससे बाहर है ये। तो क्या हुआ, ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स हुआ। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनवैलिड, नॉट वैलिड मीन्स फॉल्स। ये एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी ग्राफ के ऊपर बेस्ड, इसी वेन डायग्राम के ऊपर बेस्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अगेन ऑल अर्बन पीपल आर ग्रेजुएट्स। ऑल अर्बन पीपल मीन्स अगर ये स्टेटमेंट वैलिड होता तो ये पूरा का पूरा ट्राइंगल हमारा इस सर्कल के अंदर होना चाहिए था। मीन्स ऑल अर्बन पीपल आर ग्रेजुएट्स, तो ये नहीं है वैलिड। सम क्लर्क्स आर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बट नॉट अर्बन। सम क्लर्क्स आर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बट नॉट अर्बन। आइए देखते हैं, सम क्लर्क्स आर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ठीक है, शामिल है, बट नॉट अर्बन, लेकिन ये तो इस ट्राइंगल के अंदर है। सो ऑल द क्लर्क्स आर अर्बन, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट पर आते हैं, ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर क्लर्क्स। देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो हमारा डायग्राम है वो ये रेक्टेंगल है बड़ा वाला। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आर क्लर्क्स, इसके लिए इस रेक्टेंगल को इसका पार्ट होना चाहिए था, लेकिन ये भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी इनवैलिड। लास्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। सम अर्बन पीपल आर नॉट ग्रेजुएट्स। देखते हैं इसको। सम अर्बन पीपल मीन्स ये ट्राइंगल बड़ा वाला, सम अर्बन पीपल आर नॉट ग्रेजुएट्स। तो देखिए ग्रेजुएट्स ये इस रीजन से इधर के ग्रेजुएट्स, और सम अर्बन पीपल आर नॉट ग्रेजुएट्स मीन्स ये जो इतना बड़ा वाला पार्ट बचा हमारा ट्राइंगल का, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। सो दिस स्टेटमेंट इज वैलिड, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो जो स्टेटमेंट वैलिड हो रही है अलग अलग प्रीमाइस के हिसाब से उसको हमें टिक करते जाना है। सम क्लर्क्स आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। देखिए ये जो स्क्वायर है क्लर्क्स और ये बड़ा वाला रेक्टेंगल आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, और यहाँ पर इसका ये इंटरसेक्शन है। सो सम क्लर्क्स आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास नो क्लर्क इज अर्बन। नो क्लर्क इज अर्बन, लेकिन यहाँ पर तो ऑल द क्लर्क्स आर फॉलिंग इनसाइड द ट्राइंगल, सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, दिस इज इनवैलिड स्टेटमेंट। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑल ग्रेजुएट्स आर अर्बन। और ये देखिए ऑल ग्रेजुएट्स आर अर्बन, ऑल द ग्रेजुएट्स आर अर्बन, लेकिन ऐसा नहीं है, ट्राइंगल से बाहर निकला हुआ बहुत सारा पार्ट किसका, सर्कल का। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। लास्ट स्टेटमेंट है हमारे पास आर ऑल ग्रेजुएट्स मीन्स ऑल ग्रेजुएट्स आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, क्या ये स्टेटमेंट वैलिड है? हमारे पास स्टेटमेंट है ऑल ग्रेजुएट्स आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। ऑल द ग्रेजुएट्स मीन्स वेन डायग्राम जो है हमारा सर्कल, आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। देखिए सिर्फ थोड़ा सा पार्ट है जो कि कॉमन हो रहा है, बाकी सारा इससे बाहर है। मीन्स ऑल की कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है यहाँ पर। अगर सम होता तो ये वैलिड होता। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चंस जहां पर भी वेन डायग्राम का टॉपिक हो और हाईलाइटेड टॉपिक है, अलग से लिखा है उन्होंने इस बार। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। ये था हमारा सेट 1 लॉजिकल रीजनिंग के प्रैक्टिस क्वेश्चंस का। जल्दी मिलता हूँ एक और सेट इसी टॉपिक पर प्रैक्टिस का। Thank you so much. Happy learning. God bless you.